नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश धनतेरस का धन मंत्र, सौभाग्य का स्वर्णकाल, और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। आप सभी को धनतेरस के पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा अर्चना की जाती है और धनतेरस के दिन ही खरीदारी का भी प्रचलन है। कहा जाता है कि आज के दिन नई वस्तुएं खरीदना बेहद लाभदायक होता है और मान्यता ये भी है कि धनतेरस के दिन पूजन के समय साक्षात माँ कमला घर पर विराजमान होती हैं और धनतेरस के दिन किए गए कुछ उपाय बहुत लाभकारी सिद्ध होते हैं। तो धनतेरस का पर्व है, कहा जाता है कि धन धान्य का ये पर्व होता है, खुशहाली आती है, धन की वर्षा होती है, लेकिन तमाम उपाय हैं जो आपको बरतने होंगे जिससे साल भर धन की बारिश होगी। भगवान धनवंतरी को खुश करना है, कुबेर जी को खुश करना है, क्या विधि है, ये विस्तार से जानेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं जो बताएंगे आपको भगवान धनवंतरी और कुबेर को कैसे खुश कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और मैं आज आपको बताऊंगी कि धनवंतरी देवता जो आज कलश लेकर निकले थे, राशि अनुसार ऐसा क्या करें कि उन्हें प्रसन्न करें। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कुबेर देवता को, आपको पता है कुबेर देवता कौन है, आज मैं आपको इस कार्यक्रम में बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ दीपा शर्मा। इस धनतेरस पर क्या करना है खास किस राशि वालों को, मैं बताऊंगी आज आपको इस प्रोग्राम में। साथ ही ये बताऊंगी कि क्या खरीदना चाहिए किस राशि वालों को, जो कि आपके लिए ये धनतेरस बहुत ही खास बन जाए। नमस्कार, मैं हूँ पुदार नेहा। धनतेरस पे क्या करना चाहिए, क्यों मनाते हैं धनतेरस, धनतेरस पे कौन से उपाय करने चाहिए हर राशि वालों को, मैं आपको इस चीज़ की जानकारी दूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भगवान कुबेर को प्रसन्न करने की पूरी विधि क्या है, किस तरीके से उनकी पूजा अर्चना करें, कैसे उनको खुश कर सकते हैं, और ये बताएंगी वाई राखी जी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि, अगर आज आपको धनवंतरी देवता को प्रसन्न करना है और आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, क्योंकि धनवंतरी देवता आपको स्वास्थ्य देते हैं, आपकी तबीयत को ठीक करते हैं, तो आज आप एक तांबे का कलश खरीद कर उसमें गेहूं भरकर अपने घर के उत्तर की तरफ रखें। और अगर आपको कुबेर को खुश करना है मेष राशि वालों, तो मैं बता दूं कुबेर को खुश करने के लिए आज कुबेर देवता को गुड़ के पानी का भोग लगाएं। सबसे पहले बताऊंगी मेष राशि वालों को क्या खरीदना चाहिए। मेष राशि वालों को खरीदना चाहिए तांबे का पात्र। वैसे कहा जाता है कि धनतेरस के दिन चांदी, सोना, तांबा, पीतल और कांसा, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण धातुएं होती हैं जो खरीदनी चाहिए। इसके अलावा लोग कुछ भी खरीदते हैं, लोहे की अलमारी खरीद लेते हैं, तो लोहा और स्टील वैसे अवॉइड करना चाहिए, लेकिन क्योंकि आजकल का समय है कि हर व्यक्ति सोना नहीं खरीद सकता, पीतल तांबा नहीं खरीद सकता, तो जो नहीं खरीद सकता उनके लिए छूट है कि वो स्टील का कोई भी बर्तन खरीद लें। अदरवाइज आपको सोना, चांदी या तांबा, पीतल, इसमें से ही, या फिर कांसा, इनके अलावा कोई धातु नहीं खरीदनी चाहिए। दूसरी चीज़, आप बर्तन ले सकते हैं, आप भगवान की प्रतिमा खरीद सकते हैं। इस दिन पीतल की प्रतिमा खरीदना, यानी भगवान लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पीतल की प्रतिमा खरीदना बहुत ही शुभ होता है। मेष राशि वालों को गुड़ का दान करना चाहिए, किसी धर्म स्थान पे, कहीं पे भी, जो भी उनके घर के पास है वो वहाँ पे गुड़ दे के आ सकते हैं, उनके लिए बहुत ही फायदा रहेगा। वृष राशि वालों को चावल का दान करना चाहिए, लेकिन हमेशा याद रखिए, जब भी आप चावल का दान करें तो वो चावल खंडित कभी नहीं होना चाहिए, साबुत चावल का दान ही करना चाहिए, वही हमें हमेशा फायदा देता है। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि, अगर आपको धनवंतरी देवता को प्रसन्न करना है, तो आज एक चांदी का कलश खरीदें और उसमें चावल भरकर इसे उत्तर की दीवार की तरफ जरूर रखें। और अगर आपको कुबेर को प्रसन्न करना है, तो कुबेर को प्रसन्न करने के लिए आज आप अपने घर में सफेद रुई की बत्ती का, उसके ऊपर चंदन सफेद रंग का लगाकर कुबेर देवता के सामने दीपक जलाएं और उन्हें इत्र भी छिड़कें। इस दीपक में इत्र छिड़कें से कुबेर देवता की असीम कृपा आपके ऊपर होगी। बात करेंगे वृष राशि वालों के लिए। वृष राशि वालों को चांदी के आभूषण, चांदी का कोई भी आभूषण खरीद सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा आपकी सामर्थ्य नहीं है, तो भले ही आप एक नाक का कोका खरीदें, लेकिन चांदी का आपको खरीदना है। वृष राशि वालों को चावल का दान करना चाहिए, लेकिन हमेशा याद रखिए, जब भी आप चावल का दान करें तो वो चावल खंडित कभी नहीं होना चाहिए, साबुत चावल का दान ही करना चाहिए, वही हमें हमेशा फायदा देता है। बात मिथुन राशि की। मिथुन राशि, अगर आपकी बात की जाए और अगर आपको धनवंतरी देवता को आज प्रसन्न करना है, तो बेहद ज्यादा जरूरी है कि आज आप एक तांबे का या पीतल का
जरूर कलश खरीदें और इसमें इलायची भरें। बहुत बड़ा खरीदने की जरूरत है, छोटा सा कलश खरीदें और इसे आप अपने घर की पश्चिम की दीवार की तरफ रखें। धन धान्य बढ़ेगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा। और आप कुबेर देवता को कैसे प्रसन्न करेंगे? आज आप कुबेर देवता के लिए 108 इलायची की माला बनाएं और उन्हें अर्पण करें और उसके बाद दिवाली के बाद इस इलायची को उतार कर, इस माला को उतार कर, जब भी किसी खास कार्य इंटरव्यू में जाएं या कोर्ट कचहरी के केस में जाएं या किसी भी खास काम में जाएं तो एक इलायची खा कर जाएं। और मिथुन राशि वालों के लिए आज के दिन अगर आप सोने से बनी कोई चीज़ खरीद सकते हैं तो बहुत ही उत्तम है, लेकिन अगर सोना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं किसी वजह से तो आप पीतल धातु का कोई भी बर्तन आज के दिन खरीद सकते हैं। मिथुन राशि वालों को हरी कांच की चूड़ियाँ लेनी चाहिए कम से कम 12, और उसको माँ गौरजा को, वहाँ पे शिवलिंग के पास माँ गौरजा की मूर्ति होती है, वहाँ उनको चढ़ा के आना चाहिए कि माँ गौरजा उनके घर में हर तरह की समृद्धि, सुख और संपत्ति उत्पन्न करे, जिससे कि हमारा धनतेरस के किए उपाय सारा साल कारगर रहे और हमें उसके बहुत सारे फायदे मिल सकें। तो इन शुरुआती तीन राशियों के जातकों को क्या खरीदारी करनी है ये आपने जान लिया कि खास उपाय हैं जो बरतने होंगे और दान किस तरीके से करना है ये भी जानकारी आपने ले ली है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे की तीन राशियों का हाल जान लेते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशियों के जातकों के लिए कितना शुभ होगा ये धनतेरस और उनको क्या कुछ खास करना है ये बताएंगे राखी जी। मैं आपसे बात कर रही हूँ धनवंतरी देवता को प्रसन्न करने के लिए और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कुबेर देवता को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन मेरी दोनों सहयोगी जैसे कि दीपा जी ने और नेहा जी ने बताया कि क्या खरीदें इससे भी वो खुश होते हैं, और दान करना तो जो नेहा जी ने बताया अत्यधिक ज़रूरी है, अपने लिए जिए तो क्या जिए। चलिए बात करते हैं अगली राशि और कर्क राशि की अगर बात की जाए धनवंतरी देवता को अगर प्रसन्न करना है तो जब आज आप कलश खरीदें ना तो उसके अंदर चांदी का कलश खरीद कर एक चांदी का सिक्का रखकर लेकर आएँ तो बहुत अच्छा होगा। चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो आज आप धनवंतरी देवता को प्रसन्न करने के लिए कोई भी कलश खरीद कर लाएं लेकिन उसमें चांदी का सिक्का डालकर घर लाएं तो धनवंतरी देवता की कृपा आप पर बनेगी। अब आपको कुबेर को कैसे प्रसन्न करना है? कुबेर ने की थी शिव की पूजा, तो आज आपको अगर कुबेर देवता को प्रसन्न करना है और चाहते हैं कि आपका धन धान्य बढ़े तो आप शंकर भगवान पर आज गन्ने का रस और उसके अंदर शहद मिलाकर अर्पण करें, इतना धन आएगा कि आपसे संभाले नहीं संभलेगा। कर्क राशि वालों की बात करें तो कर्क राशि वालों को आज के दिन एक चांदी का कलश या चांदी का लोटा खरीदना चाहिए, लेकिन अगर आप चांदी का लोटा नहीं खरीद सकते हैं तो आज के दिन सबसे उत्तम, जिससे कि आपके घर में धन की बरसात होगी और बिल्कुल जैसा कि राखी जी ने कहा संभाले नहीं संभलेगा पैसा, चांदी का श्री यंत्र आज आप अपने घर में लेकर आएं। कर्क राशि वालों, चांदी के श्री यंत्र को लाकर आपको लाल कपड़े पर उसको स्थान देना और फिर उसकी पूजा करनी है आज के दिन और फिर देखिएगा कि कैसे धन की वर्षा होती है। सबसे पहले कई लोग धनतेरस पे सामान खरीदते हैं लेकिन उधार कर लेते हैं जो कि बहुत गलत है, कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग आपको एक मुहूर्त देते हैं कि इस मुहूर्त पे आप वो सामान खरीदिए, जब आप पैसे देंगे वो उसी मुहूर्त में माना जाएगा, इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, जो भी आप खरीद के लाएँ उसके आप पैसे साथ के साथ दीजिए। और धनतेरस वाले दिन 2:56 से लेकर 4 तक का खरीदारी का बहुत शुभ मुहूर्त है, जिसके बीच में आप सामान खरीदिए जो हमें दीपा जी बता रही हैं। इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कर्क राशि वाले अगर किसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो भैरव जी के मंदिर में दूध को चढ़ाएं, वो पंडित जी यूज़ करेंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। भैरव जी के चरणों में दूध को रगाएं और उस दूध के आगे भैरव जी से प्रार्थना कीजिए हमारी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएं, हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आगे सिंह राशि की बात करते हैं तो सिंह राशि वालों, आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप पीतल का जो है वो कलश खरीदें, से धनवंतरी देवता की अत्यधिक कृपा होगी और गेहूँ भरकर इसे घर में लेकर आएं। और वहीं पर अगर आपको कुबेर देवता को प्रसन्न करना है तो कुबेर देवता को प्रसन्न करने के लिए आज रात भर अपने घर के अंदर गाय के घी का एक दीपक जलाकर लाल बत्ती वाला अगर आप रखें तो आपके ऊपर कुबेर देवता की बड़ी कृपा होगी। सिंह राशि वालों के लिए आज क्या है खास बर्तन जो कि आज आपको अपने घर में लेकर आना चाहिए? तो सिंह राशि वालों को एक पीतल की जोत, जिसमें हम जोत जलाते हैं, तो एक पीतल की जोत आज आपको अपने घर में खरीद के लानी चाहिए। वैसे सिंह राशि वालों के लिए सोने के आभूषण खरीदना भी अच्छा होता है। अगर दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं खरीद सकते हैं तो कोई भी धार्मिक पुस्तक आज आप अपने घर में ला सकते हैं। अगर श्री सूक्त की पुस्तक लेकर आते हैं तो इससे उत्तम कुछ भी नहीं होगा। सिंह राशि वालों को कॉपर का बर्तन लेना चाहिए जिसके अंदर गुड़ भर के मंदिर में दान दे के आना चाहिए, जिससे उनको बहुत ज़्यादा
फायदा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और अगली कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों, आज आप जब कलश खरीदें, तांबे का, पीतल का, स्टील का या मिट्टी का, आर्थिक स्थिति आपकी जैसी है तो आप उस कलश के अंदर हरी इलायचियां भरकर लेकर आएं या हरा पिस्ता जिसे कहते हैं, वो बेहद ज़्यादा पसंद है धन्वंतरी देवता को, और इसे लाकर आप अपने घर के अंदर रखना है पूर्व दिशा की तरफ। इसका प्रयोग भी कर सकते हैं, इसमें से जो सामान है दिवाली के बाद आप खा सकते हैं, पर इस कलश को कभी खाली ना होने दें। और अगर आप चाहते हैं कि कुबेर देवता की आपके ऊपर असीम कृपा हो तो कुबेर देवता के ऊपर आज आपके पास उनकी जो मूर्ति है, उनकी जो तस्वीर है, उस पर एक कमल का फूल अर्पण करिए। होए। और अब बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों को आज क्या खरीदना शुभ होगा? आज के दिन कन्या राशि वालों को एक कांसे का, या तो थाली ले सकते हैं, कांसे का बेला आज आपको खरीदना है, और घर में लाने से पहले उसे खाली नहीं लेकर आना है। जब घर में लेकर आएंगे तो उसके अंदर चावल भर के आप उसको घर में प्रवेश कीजिए, और देखिए फिर कन्या राशि वालों के घर में कितनी बरकत होगी और माँ अन्नपूर्णा की विशेष कृपा होगी। कन्या राशि वालों को इस दिन गाय को चारा जरूर खिलाना चाहिए। गाय को चारा खिलाने से उनकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तुला, वृश्चिक और धनु राशियों के जातकों को आज के दिन किस तरीके से खास उपाय करने हैं, क्या कुछ करना है जो उनके लिए सही होगा, क्या कुछ नहीं करना है, ये बताएंगे राखी जी। बिल्कुल, अगर हम सबसे पहले तुला राशि की बात करें तो होए आपके लिए तो वैसे धन्वंतरी देवता बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं। आज तो आप बाजार चले जाइए, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नवरत्न होते हैं, बाजार में आपको किसी भी सुनारे की दुकान पर मिलेंगे, एक छोटा सा कलश खरीद कर उसमें भरकर लेकर आकर इसे अपनी तिजोरी में छुपा दीजिए। इतना धन आएगा रुके हुए सारे काम हो जाएंगे। और कुबेर देवता का अगर आशीर्वाद आज आपको चाहिए तो कुबेर देवता की मिट्टी की मूर्ति घर में लाकर स्थापित कीजिए, और उसके सामने आप थोड़े से चावल भरकर एक कटोरी में रखिए, तो भी आपको धन धान्य की प्राप्ति होगी। तुला राशि वालों को आज के दिन घर में क्या लेकर आना चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी। जैसे थोड़ी देर पहले मेरी दोस्त अभी नेहा जी बता रही थी कि एक चार मुखी दिया आपको घर के बाहर लगाना चाहिए। मैं इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है धनतेरस के दिन, तो आप इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ये जो दिया होता है ये यम को दिखाया जाता है, यम को दिया जाता है, यानी कि उनसे प्रार्थना की जाती है कि घर में सभी सदस्य सुख से रहें, स्वस्थ रहें, और किसी को भी अकाल मृत्यु का भय ना सताए। तो ये चारमुखी दिया आपको तिल के तेल का भरना होता है और अपने घर के मुख्य द्वार पर रखना होता है। घर के मुख्य द्वार पर तो रखना है, लेकिन इसका जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ आपको करके रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर के सभी सदस्य स्वस्थ भी रहेंगे और उन पर किसी प्रकार का संकट भी नहीं आएगा, और अकाल मृत्यु जैसी परेशानी से भी मुक्ति रहेगी। अब मैं बात करूंगी तुला राशि वालों को क्या खरीद कर लाना चाहिए। तुला राशि वालों को घर के अंदर आपके लेकर आना है पायल। जी हाँ, चांदी की पायल आप ज़रूर खरीद के लाइए धनतेरस के दिन, जो कि आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएंगी, तो बिल्कुल ना भूलें क्योंकि आप खरीद भी सकते हैं। तो चांदी की पायल आपको तुला राशि वालों लेकर आनी है। तुला राशि के लिए अगर हम बात करें, अगर किसी भी पति पत्नी में किसी तरह का मतभेद चल रहा है और वो उनके बीच में सब कुछ ठीक हो जाए तो वो गाय के देसी घी से शिवलिंग का अभिषेक करें। बेशक आप गाय का देसी घी 50 ग्राम लीजिए, 100 ग्राम लीजिए, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए वो पिघलाएँ, लेकिन डायरेक्ट उसको गैस पे आँच पे नहीं आपने पिघलाना है, धूप में रख सकते हैं, तो उसको पिघला के फिर शिवलिंग के अभिषेक कीजिए। आपके और आपकी पत्नी के बीच में, या आपके पति और आपके बीच में सब संबंध बिल्कुल उचित हो जाएंगे। अगली राशि का रुख कर लेते हैं, जो है कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि अगर आपकी बात की जाए, अगर आपको धन्वंतरी देवता का आशीर्वाद चाहिए तो आज आप पीतल का एक कलश खरीद कर लाएंगे और पीतल के इस कलश में गुड़ भरकर अपने घर की रसोई में रखेंगे। इससे आप पर धन धान्य की वर्षा तो होगी, लेकिन आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। और अगर आपको कुबेर देवता का आशीर्वाद चाहिए तो कुबेर देवता कहते हैं कि आज आप अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सरसों का तेल उसका एक दीपक बनाकर दक्षिण की तरफ शाम के समय घर के बाहर जलाइए। इससे उनका आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। और आप कुबेर देवता के सामने 11 रुपए रख दीजिए और इसे पूरे वर्ष खर्चिएगा मत, एक लाल कपड़े में बांध कर रखिएगा।
वृश्चिक राशि वालों को लेकर आने हैं तांबे का बर्तन। कोई भी तांबे का बर्तन ला सकते हैं, तांबे का लोटा ला सकते हैं, या आजकल मार्केट में बहुत ही सुंदर सुंदर शो पीसेज हैं जो कि तांबे के बने हुए होते हैं, वो आप ले सकते हैं, या फिर एक तांबे का कड़ा वो भी आप पहन सकते हैं अपने राइट हैंड में। तो ये आपको वृश्चिक राशि वालों ध्यान रखना है। वृश्चिक राशि वालों को धनतेरस वाले दिन बूंदी के लड्डुओं का दान करना चाहिए। उनको अपने घर वालों को, आस पड़ोस वालों को, किसी को भी बूंदी के लड्डू खिलाने चाहिए। बाहर मंदिर के बाहर जाएं, गरीब बच्चे हैं उनको बूंदी के लड्डू खिलाएं, उनसे उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों, अगर धनवंतरी देवता का आशीर्वाद आपको चाहिए तो आज आपको एक कलश खरीदना होगा। लेकिन अगर आपको खुश करना है कि आपको कुबेर देवता बेहद खुश हो जाएं, तो आज उनके समक्ष एक शंख रख दीजिएगा। इससे वो बेहद ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि समुद्र मंथन के समय पर शंख भी निकला था, जिस हिसाब से वो लक्ष्मी जी का भाई है। धनु राशि वालों को क्या लेकर आना चाहिए? धनु राशि वालों को पीतल या सोने की कोई भी चीज़ घर में लेकर आनी चाहिए। धनु राशि वालों को इस दिन आटे में बेसन मिला के गोलियां बना के मछलियों को खिलानी चाहिए, जिनसे कि उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो छोटी छोटी बारीकियों का ख्याल आपको रखना है, छोटी छोटी बातों का ख्याल आपको रखना है। उन बातों का ख्याल अगर आप रखते हैं, कहते हैं कि पूरी पूजा की जो विधि है उसको अगर पूरी तन्मयता से आप करते हैं, पूरे मन से आप करते हैं, बातों का ख्याल रखते हैं, तो भगवान ज़रूर खुश होते हैं और अवश्य अपनी कृपा पर बरसाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आखिरी की तीन राशियों की बात कर लेते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशियों के जातकों के लिए ये वाला, इस बार वाला धनतेरस किस तरीके से शुभ रहने वाला है, इन राशियों के जातकों को क्या कुछ करना होगा, ये बताएंगे राखी जी। मकर राशि, अगर आपकी बात की जाए, शनि आप ही की राशि में गोचर कर रहे हैं, शनि की ढैया आप पर चल रही है, तो आपको बताऊं कि धनवंतरी को प्रसन्न करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे आपकी सेहत ठीक नहीं लग रही है। तो आज आप एक कलश खरीद कर लाएं, उसमें सरसों का तेल भरें, कलश मिट्टी का हो तो सबसे उत्तम होगा, और इसे लाकर अपने घर के अंदर लाल कपड़े से बांध कर दक्षिण की तरफ रख दें और एक वर्ष तक इसे टच ना करें। अगर बात करें हम कि आपको किस तरह से कुबेर को प्रसन्न करना है, तो कुबेर को प्रसन्न करने के लिए तिल से बनी हुई मिठाइयों का भोग कुबेर को लगाना बेहद उत्तम रहेगा। मकर राशि वालों को एक तो सबसे जो चीज़ महत्वपूर्ण है, चूल्हा खरीदना। अगर आपके घर में चूल्हा नहीं है तो मकर राशि वालों को चूल्हा खरीदना बहुत ही शुभ रहेगा। इसके अलावा कोई स्टील का बर्तन भी आप खरीद सकते हैं। मकर राशि वालों को धनतेरस वाले दिन पीपल को जल भी देना चाहिए और शाम के समय पीपल के आगे दीपक भी जलाना चाहिए, जिनसे उनके स्वास्थ्य को बहुत राहत मिलेगी और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं, तो कुंभ राशि वालों, शनि की सारस्वती आप पर भी चल रही है और शनि आप ही की राशि में अगले साल जनवरी में गोचर करने वाले हैं 20 जनवरी से। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपनी सेहत को, क्योंकि आपकी सेहत ऑलरेडी बहुत दिनों से खराब चल रही है, पेट खासकर, तो आपको क्या करना है कुंभ राशि वालों, धनवंतरी देवता को प्रसन्न करने के लिए आज आपको एक मिट्टी का कलश खरीदना है और इसके अंदर आपको नींबू भरने हैं, और नींबू भरने के बाद इसे आपको अपने घर के अंदर उत्तर की तरफ रख देना है, लेकिन इसे दिवाली वाले दिन ही रात को 12 बजे चौराहे पर छोड़कर आना है। इससे आपकी नेगेटिविटी, नजर हारी, बीमारी सब दूर हो जाएगी। और अगर आपको कुबेर को प्रसन्न करना है, तो कुबेर को प्रसन्न करने के लिए आज आपको कुबेर के मंत्र, कुबेर के सामने बैठकर घी का दिया जलाकर पढ़ने चाहिए, इससे कुबेर देवता बेहद जल्दी प्रसन्न होंगे और लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वालों की बात करूं तो कुंभ राशि वालों को आज के दिन वाहन खरीदना बहुत शुभ होता है। अगर आप वाहन खरीदते हैं, क्योंकि स्वामी होता है शनि और शनि होता है वाहन का कारक, तो अगर आप वाहन या मशीनरी का कारक, तो अगर आप वाहन खरीदते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन सभी लोग वाहन नहीं खरीद सकते, तो जो लोग वाहन नहीं खरीद सकते उनके लिए भी स्टील का बर्तन खरीदना ही, मकर और कुंभ दोनों ही राशि वालों के लिए स्टील का बर्तन खरीदना शुभ होता है। कुंभ राशि वालों को कोशिश यही करनी चाहिए कि धनतेरस वाले दिन कुष्ठ रोगियों को दान देना चाहिए, जिनको कोढ़ की बीमारी होती है उनको दान देना चाहिए, जिससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और हमें बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं। आखिरी राशि मीन राशि, अगर आपको धनवंतरी देवता को प्रसन्न करना है, तो आज आपको एक कलश खरीदकर पीतल का, उसमें चने की दाल भरकर अपने घर की रसोई में रखना चाहिए। हुए इससे आपका गुरु ग्रह बहुत अच्छा हो जाएगा। और कैसे कुबेर को खुश करें, तो आज आपको कुबेर को खुश करना है झाड़ू से। जी हाँ, आज आपको तेज पत्ता के 11 पत्ते लेकर उन्हें आपस में बांधकर एक झाड़ू बनानी है, और जिसे नेगेटिविटी दूर करने के लिए कुबेर देवता के सामने अपने मंदिर में रखना है, जिससे आपका जीवन अच्छा हो जाएगा।
मीन राशि वालों के लिए चांदी बहुत शुभ होती है। मीन राशि वालों को चांदी की धातु पहनना भी अच्छा होता है, खरीदना भी अच्छा होता है। तो आप चांदी के पात्र खरीद सकते हैं, चांदी के लक्ष्मी गणेश खरीद सकते हैं आज के दिन, जो कि आपकी राशि के अनुसार बहुत ही उत्तम रहेंगे। आप चांदी के लक्ष्मी गणेश खरीद कर लाएं, उनकी पूजा घर में करें धनतेरस के दिन, और फिर दिवाली के दिन भी उनकी पूजा करें। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा लक्ष्मी और गणेश जी का वास रहेगा। भगवान गणेश रिद्धि और सिद्धि के साथ वास करेंगे और माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थिर लक्ष्मी के रूप में वास करेंगी। जैसा कि मेरी दोस्त राखी ने बताया कि कुछ क्षेत्रों में दिया कूड़े की बाल्टी के पास जलाया जाता है, बिल्कुल उन्होंने सही बताया। लेकिन जो ये कूड़े की बाल्टी के पास जलाया जाता है, ये दिवाली की अगले दिन सुबह जलाया जाता है। मैं उसका वो बताती हूँ आपको उसके पीछे की कहानी कि जब भी कभी भी लक्ष्मी आती है तो लक्ष्मी की बहन दरिद्रा उनके साथ आती है। तो जब दरिद्रा उनके साथ आती तो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उनके घर में दरिद्रता रह जाए। तो लक्ष्मी की पूजा करके वो ये प्रार्थना करते हैं रात में कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर में वास करें। मीन राशि वालों की अगर हम बात करें, मीन राशि वालों को धनतेरस वाले दिन जैसे कि दीपा जी ने बताया कि पीतल लेना चाहिए, कोशिश यही करनी चाहिए कि वो पीतल के बर्तन में एक गिलास रख लें या एक कटोरी रख लें, वो उसी में खाना खाएं, क्योंकि पीतल में गुरु का वास होता है और गुरु में जब आप खाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं। देखिए धनतेरस में खरीदारी का ही खास महत्व होता है। तमाम बातें यहाँ पर बताई गई हैं, क्या खरीदना आपको है, किस तरीके से खरीदारी करनी है, अलग अलग राशियों के जातकों को क्या उपाय बरतने हैं और क्या दान आपको करना होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपने जान ली है। और यकीनन अगर इन बातों का ख्याल आप रखते हैं तो भगवान कुबेर और धनवंतरि का आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा और ये धनतेरस आपके लिए और आपके अपनों के लिए शुभ होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का यहाँ पर आने के लिए और विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।